क्या आप जैसे ही बुक्स खोल के बैठते हैं तो नींद आने लगती है, या इंस्टाग्राम पर अपने आप स्क्रॉल करने लगते हैं? आप पढ़ना तो चाहते हैं, आपको पता है एग्ज़ाम आने वाले हैं, लेकिन फिर भी आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। प्रॉब्लम आप में नहीं है क्योंकि आप पढ़ना चाह रहे हैं, पर प्रॉब्लम है आपके मेथड्स में, पढ़ने के तरीके में। ट्रस्ट मी, ये तरीका 200% इफेक्टिव है। अगर आपने लास्ट तक ये वीडियो देख लिया, आपकी लाइफ आज से ही चेंज हो जाएगी। तो आइए समझते हैं, बिना हार्ड वर्क के एग्जाम में टॉप कैसे करें, कैसे करें इफेक्टिव पढ़ाई बिना मेहनत के। पहली टिप है, स्मूथ और प्रोडक्टिव पढ़ाई के लिए प्लान तैयार करना जरूरी है। एक अच्छा टाइम टेबल बनाइए जिसमें आपने सब्जेक्ट वाइज टाइम को डिवाइड कर रखा हो। इससे आप अपनी पढ़ाई को ऑर्गेनाइज तरीके से कर पाएंगे। आप अपना शेड्यूल दो जगह में से किसी एक में बना सकते हैं। पहला, मोबाइल या लैपटॉप में टू डू लिस्ट इंस्टॉल करके। दूसरा है ट्रेडिशनल तरीके से पेन और पेपर पर। दूसरी टिप है, डिस्ट्रैक्शन से बचना। पढ़ाई करते समय मोबाइल फोन, सोशल मीडिया या टीवी जैसे चीज़ों से दूरी बनाए रखें, उन्हें स्विच ऑफ या साइलेंट पर रखें, जिससे आप कॉन्सेंट्रेट रहेंगे और पढ़ाई अच्छे से कर सकेंगे। थर्ड टिप है, नोट्स बनाने की। पढ़ाई करते समय अपने सब्जेक्ट से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फॉर्मूलाज को नोट्स में लिखें। नोट्स बनाने से आपकी मेमोरी पावर और समझ दोनों अच्छी होगी। आप इन नोट्स को बाद में रिवाइज करके अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। फोर्थ टिप है, रेगुलरली ब्रेक्स लें। घंटों तक बिना ब्रेक लिए पढ़ना थकान और मोनोटोनस बढ़ाता है, तो पढ़ाई करते समय छोटे छोटे ब्रेक्स लेना बहुत ज़रूरी है। आइडियल टाइम लिमिट होती है कि आप 45 मिनट्स का टाइमर लगाएं और पढ़ाई करें। टाइम पूरा होने के बाद 10 मिनट का ब्रेक लें। ब्रेक्स लेने से आपके ब्रेन में हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, जिससे आप कई घंटों तक बिना थके इस साइकिल में पढ़ सकते हैं। और साथ ही जब आप 10 मिनट का ब्रेक लें तो थोड़ा सा पानी पिएं, और उसी 10 मिनट में आपको इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना हो या कुछ भी करना हो उसी में कर लें। लेकिन याद रहे, 10 मिनट का भी टाइमर लगा लें, जिससे आप वहीं ना उलझे रह जाएं। फिफ्थ टिप है कि आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना होगा। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अगर कुछ समझ ना आए तो टीचर या सीनियर्स की हेल्प लेना ना भूलें और टाइम से रिवाइज करते रहें। और लास्ट टिप है, आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। अच्छी नींद लें। काफ़ी लोगों को लगता है कि कम सोने से हेल्दी रहते हैं और ज़्यादा पढ़ाई हो सकती है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। कम से कम 8 घंटे की नींद जरूर लें, बैलेंस्ड डाइट लें, रेगुलर एक्सरसाइज करें। जब आपकी सेहत अच्छी होगी तभी आप पढ़ाई भी अच्छी कर सकेंगे। पर अभी इतना नहीं है, कुछ बेसिक चीज़ें आपको याद रखना बहुत ज़रूरी। आप कन्फ्यूज्ड रहते होंगे कि हमें कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। क्या 12-13 घंटे पढ़ने वाले बच्चे टॉप करते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सब दोगलापन है। आप 9:8:7 का रूल याद रखें। 9 घंटे आप पढ़ाई करें, 8 घंटे की नींद लें और 7 घंटे दूसरे काम में बिताएं, जैसे कि नहाना, खाना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, दोस्तों से बात करना और भी बहुत सारे। एक मिथ बनी होती है कि सुबह उठकर पढ़ना चाहिए या देर रात तक पढ़ना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने हिसाब से देखो कि आप किस टाइम पर ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, उसी टाइम पर पढ़ाई करें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।